तो भक्तों, आज हम आपको माघ मास की चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे संकट चौथ भी कहते हैं। संकट चौथ पर गणपति जी का पूजन किया जाता है। आइए श्रवण करते हैं माघ मास की संकट चौथ की कथा का। कथा सुनाऊं तुमको भक्तों मांग के व्रत त्योहार की, संकट चौथ जिसे कहते हैं गणपति जी के वार की। मांग मास के कृष्ण पक्ष की चौथ का ये त्योहार है, गणपति जी और चंद्र देव की पूजा का ये वार है। दिन भर व्रत और पूजा करके अर्घ्य चंद्र को देना है, गणपति जी से मन चाहा वरदान जो तुमको लेना है। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। भक्तों, यह व्रत पुत्रवती माताएं अपने पुत्र और पति की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। सबसे विशेष बात है कि इस व्रत में पहार बनाया जाता है, जिसमें नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गंजी, भाटा, अमरूर, गुड़ तथा घी का चंद्रमा और गणपति जी को भोग लगाया जाता है, तथा रात भर यह नैवेद्य ढक कर रख दिया जाता है, जिसे सुबह पुत्र ही खोलता है और अपने भाई बंधुओं को खिलाता है, जिससे प्रेम बढ़ता है। कथा बड़ी अलौकिक जिसमें एक प्रसंग महान है, कार्तिक और गणपति की महिमा का जिसमें बखान है। शिव के पुत्र है बड़े तेजस्वी जिनका पार न पाया है, एक बार शिव शंकर ने अद्भुत ये खेल रचाया है। देवताओं ने सेनापति की मांग को आन उठाया है, कार्तिकेय और गणपति की परीक्षा का समय आया है। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। भक्तों, एक बार विपदा ग्रस्त देवता भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख कार्तिकेय और गणेश जी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। इस बात पर शिवजी ने गणेश की इच्छा जाननी चाही। तब गणेश जी ने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब कष्ट दूर कर सकता हूँ। आप मुझे बड़ा देव बनाए या ना बनाए, मुझे इसकी इच्छा नहीं है। दोनों बच्चों की हो परीक्षा, शिव जी ने ये विचार किया, कार्तिक जी और गणपति जी को एक समान है लक्ष्य दिया। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा जो भी पहले लगाएगा वीर वही होगा और जग में सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। बल और बुद्धि की ये परीक्षा शंकर ने बतलाया है, कथा में जानो शंकर ने ये कैसा खेल रचाया है। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। यह सुनकर दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणपति जी ने अपने अपने वाहन बुलाए। कार्तिकेय जी तो मयूर पर विराजमान होकर पृथ्वी की
परिक्रमा को चले गए, परंतु गणपति जी ने देखा कि मूषक पर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना अत्यंत कठिन है, इसीलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। गणपति जी ने शंकर जी के शब्दों पर है ध्यान दिया, बल और बुद्धि में से गणेश ने बुद्धि का उपयोग किया। माता पिता की सप्त परिक्रमा गणपति जी ने लगाई है, माता पिता की महिमा गणेश ने बुद्धि से बतलाई है। पूरी पृथ्वी पर कार्तिक को चूहे के पद चिन्ह मिले, कार्तिक सोचे मोर से तेज ये चूहा जाने कैसे चले। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। इसी उधेड़ बुन में कार्तिक जी ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और वापिस शिव धाम पर आ पहुँचे। कार्तिक जी ने गणेश जी का मजाक उड़ाते हुए अपने आप को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने कहा कि हे भ्राता, माता पिता में ही समस्त तीर्थ और ये ब्रह्मांड निहित है, इसलिए मैंने तो माता पिता की परिक्रमा से ही पूरे ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा कर ली और तुमने सिर्फ 1 बार ही इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। गणपति जी की बुद्धि का सब देवों ने सत्कार किया, शिव जी ने भी गणपति जी की महिमा का गुणगान किया, कार्तिक ने भी गणपति जी की शक्ति को पहचान लिया। सर्वप्रथम गणपति पूजन का शंकर ने वरदान दिया, पिता की आज्ञा से गणेश ने देवों के सब कष्ट हरे, देवता सभी मिलके गणपति की जय जयकार करे। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। देवताओं ने गणेश जी की वंदना की और शंकर भगवान जी ने कहा कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सहरा बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन करके चंद्र को अर्घ्य दान देगा, उसका हर संकट दूर होगा। वह ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को वह मनुष्य प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवता हर्ष से भर गए और गणेश जी को प्रणाम करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। कथा ये माघ मास की भक्तों सुनना और सुनाना जी, गणपति जी से मन वांछित फल चाहोगर तुम पाना जी। माघ मास की चौथ को पूजा गणपति जी की तुम करना, कष्ट कलेश मिटा कर अपने भंडारों को तुम भरना। कुमार हरीश पे कृपा करके दो भक्ति का दान प्रभु, सदा तुम्हारी महिमा का होता रहे गुणगान प्रभु। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। भक्तों, माघ मास की चौथ में इस कथा का श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, वे उत्तम फलदायी भी माना गया है। अतः आपसे निवेदन है कि इस कथा का श्रवण करें और दूसरे भक्तों तक भी यह कथा पहुंचाएं। बोलो गणपति महाराज की।